भैया कहना क्या चाहते हो आप ही बताओ. कुछ बाकी नहीं है. तो खेल है तो डेमोक्रेसी. इसलिए मैं जो फिल्म से मैं इनडायरेक्टली मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि भाई अगर डेमोक्रेसी आपको बोलना है कि आपका देश डेमोक्रेटिक है तो आपको आपके घर में और आपके नेबर के साथ डेमोक्रेटिक होना सीखना पड़ेगा. अगर आप आपके बच्चों से आप ओपिनियन नहीं लेते हो किसी भी चीज़ के बारे में अपना अपना ओपिनियन थोप देते हो उनके ऊपर फिर आप कह रहे हो कि आपका कंट्री डेमोक्रेटिक होगा तो वो पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली आपके नेबर के साथ भी जो सिद्धार्थ और रितु की एज में काफ़ी फ़र्क है. सिद्धार्थ इज़ अराउंड 40. तो वो जो फ़र्क है जो वाइफ हस्बैंड का जो कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए दोनों के बीच वो लाने के लिए वर्कशॉप करनी ही पड़ेगी. मतलब वो ठीक है आप सारे चलता है लेकिन टाइम लगता है वो करने के लिए. तो वो सब चीज़ें करना बड़ा मुश्किल था. बट हाँ एक हफ्ते की वर्कशॉप में बहुत टाइम दिया लोगों ने. वो मेरी सारी क्रिएटिव लिबर्टी हमारा मूवी योगी चोपड़ा जो मेरे साथ बैठे वहाँ पे मंडला फिल्म्स जिन्होंने को प्रोड्यूस की है फिल्म तो इन लोगों ने मुझे कभी रोका नहीं कि यार मतलब क्वेश्चन किए तरह तरह कि ये ऐसा क्यों बिकॉज सारी चीज़ें मेटाफर में हो रही हैं कोई भी कुछ भी डायरेक्ट नहीं है तो किसी को डायरेक्टली पता नहीं चलता कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. बट ये है कि खासतौर प्री प्रोडक्शन में फिल्म बनने के बाद तो ऑब्वियसली सभी को पता है लेकिन प्री प्रोडक्शन पता नहीं चलता है कि मैंने ऐसा क्यों रखा है ये चीज़ ऐसी क्यों रखी है. तो वो क्रिएटिव लिबर्टी पूरी थी. द कैरेक्टर वाज सपोज टू बी अ 35-40 ईयर ओल्ड मदर एंड अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन आई वेंट टू देम फॉर एडवाइस शुड आई डू दिस शुड आई डू दिस एवरीबॉडी सेड नो डोंट डू इट यू विल गेट टाइपकास्टेड यू विल बी द यू जस्ट देन यू विल जस्ट कीप गेटिंग दीज ओल्ड रोल्स एंड डोंट डू दिस बट ऑफ कोर्स आई ऑल्सो गॉट सम एडवाइस दैट सेड that you know do it it's a challenge and take it up as a challenge to is tarah ki cheez agar banegi to fayda ye hota hai ki hum wo jo cinema ki definitions film school mein hum padhte hain ki aapko directly kuch nahi kehna hai you just need to provoke to think